आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस से किस तरह बचा जा सकता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, और अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस के बारे में कि किस तरह इन सॉल्यूशंस को अपनाएं और हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और एलर्जिक राइनाइटिस से बच सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है कि एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रीटमेंट को एक बार अपने डॉक्टर को दिखाकर उसी ट्रीटमेंट को बार बार रिपीट करते रहते हैं, या केमिस्ट से लेकर के उन्हीं दवाओं को लेते रहते हैं जब तक उनको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना हो, जब तक वो अपने डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। जबकि ऐसी कंडीशन में यदि अगर वो अपने डॉक्टर को दिखाएं तो हो सकता है सिर्फ एक दवा की उनको ज़रूरत हो या एक दवा की भी ज़रूरत ना हो। आज हम इन्हीं सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह हम इन सॉल्यूशंस को अपनाएं, इन बचाव के तरीकों को समझें और कैसे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। ज़्यादातर घर में काम करने वाली महिलाओं को, औरतों को एलर्जिक राइनाइटिस होती है। हम उन्हें सलाह देंगे कि झाड़ू देते वक्त या सफाई करते वक्त या पुरानी किताबों को, अखबारों को हटाते वक्त या फेस्टिवल के सीज़न में सफाई करते वक्त हम रुमाल को इस तरह से दो हिस्सों में कर लेंगे। एक हिस्सा उसका गीला करेंगे, एक हिस्सा उसका सूखा रखेंगे। सूखे हिस्से को हम इस तरह से अपने यहाँ बांधेंगे और गीला हिस्सा हमारा बाहर हो, ताकि धूल के कण, डस्ट माइट के कण बाहर रुमाल पर जम जाएं। बेडरूम में या अपने सोने वाले कमरे के अंदर फालतू सामान ना रखें, जैसे किताबें, अखबार, खिलौने। घर में मोटे पर्दे या कारपेट हटा दें, उनकी जगह सिंथेटिक या पतले पर्दे लगाएं और उन्हें रेगुलर वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करते रहें। रूम में से अचानक बाहर ना निकलें। एसी, कूलर, पंखे को बंद करके 10 मिनट आराम करके फिर बाहर निकलें। कुछ महिलाएं अचानक किचन में काम करते हुए गर्मी के मौसम में ज़्यादा पसीना आने की वजह से एकदम से अचानक एसी या कूलर या पंखा चालू करके और उसके नीचे चले जाते हैं। ऐसा करने पे हमारे किचन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इस तरह जाने से हमारे फेफड़ों को एक झटका लगता है। ऐसा करने पे हमारे शरीर को एलर्जिक राइनाइटिस डेवलप हो जाती है। एसी में रहने वाले लोगों को अक्सर एलर्जिक राइनाइटिस डेवलप हो जाती है। उन्हें चाहिए कि एसी में जाते वक्त और उससे बाहर निकलते वक्त थोड़ी देर नाक के ऊपर मास्क या कपड़ा बांधकर रखें। ऐसा करने से उनकी नाक के अंदर नमी बनी रहेगी और जो उनकी सेबेशियस मेम्ब्रेन है उसके अंदर म्यूकोजल लाइन है वो नम बनी रहेगी। गर्मी या सर्दी के मौसम में कार में या कोई ऐसे व्हीकल में जो एयर कंडीशनड हो या पैक्ड हो, उसमें से अचानक बाहर निकलने पर हमारे फेफड़ों को एक झटका लगता है। ऐसे वक्त में गर्मी के मौसम में हमें पहले एसी बंद करना चाहिए या सर्दी के मौसम में हमें हीटर बंद करना चाहिए। 2 से 5 मिनट बाद में शीशे उतारने चाहिए और फिर हमें गाड़ी से बाहर निकलना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो गाड़ी के अंदर गर्मी के मौसम में एसी चलने की वजह से 20 डिग्री टेम्परेचर होगा और हम जैसे ही बाहर निकलेंगे बाहर 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। ऐसा करने पे हमारा शरीर उस वातावरण में ढल नहीं पाएगा और हमारे फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे। जैसे छुई मुई का पौधा या छुई मुई के प्लांट्स को छूते हैं तो उसकी पत्तियां एकदम से सिकुड़ जाती हैं, इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर हमारे फेफड़ों के साथ भी इस तरह का झटका लगने पर ऐसा होता है। और यदि ये बार बार हो तो इससे ब्रोंकियल अस्थमा भी डेवलप हो सकता है, इसलिए इसका हमेशा ख्याल रखें। बदलते मौसम के अंदर एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंटों को चाहिए कि वो ठंडी, खट्टी और तली हुई चीज़ें ना खाएं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, खट्टे फल, आइसक्रीम, ठंडा पानी, इनसे बचें।
ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि गर्मी में से फौरन आते ही फ्रीज का ठंडा पानी निकाला। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हमारे शरीर का तापमान अंदर से 37 डिग्री होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और हमने 16 डिग्री टेम्परेचर का पानी निकाला और डायरेक्ट उसको पिया। ऐसा करने से हमारी सांस नलियों को एक झटका लगता है और ब्रोंकाइटिस डेवलप होता है। इससे बचना चाहिए। गर्मी के मौसम में ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि कूलर चलाते वक्त या कूलर चलाने से उनकी एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रिगर्स डेवलप हो जाते हैं और उनको एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि पहले 5 से 10 मिनट अपने रूम के अंदर कूलर का पंप चलाएं, फिर उसके बाद कूलर का फ़ैन ऑन करें। नहाकर फौरन बाथरूम से बाहर ना निकलें और थोड़ी देर अपना कॉस्मेटिक सामान, तेल, कंघा वहीं करें और 5 से 10 मिनट उसे कंप्लीट करने के बाद बाहर निकलें। ऐसा करने से हमारे शरीर का तापमान बाहर के तापमान के अंदर सेटल्ड हो जाता है, एडजस्ट कर पाता है। रोज़ाना हमारे बेडरूम की बेडशीट्स और पिलो कवर रोज़ाना बदलें। इनमें डस्ट माइट्स होते हैं। ये डस्ट माइट्स ज़्यादातर लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस का कोज बनते हैं। इन डस्ट माइट का सॉल्यूशन ये है कि हम अपने पिलो कवर को, बेडशीट को रोज़ाना धूप लगाते हैं तो ये स्वतः ही धूप की वजह से डेड हो जाते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंटों को हम सलाह देना चाहेंगे कि झाड़ू ना दें बल्कि गीले कपड़े से चीज़ों को साफ करें। किचन में जब भी काम करें एग्जॉस्ट फैन चालू करके काम करें और जब भी छौंक लगाएं एग्जॉस्ट फैन ज़रूर चला होना चाहिए और मुंह के ऊपर कपड़ा बांधें। अपने घर की छत पर ऑयल पेंट करवाएं। घर में मौजूद पालतू जानवरों से बचें, जैसे कुत्ता, बिल्ली, तोता, कबूतर या बकरा बकरी। ज़्यादातर इन लोगों को इसी वजह से ट्रिगर्स डेवलप होता है और एलर्जिक राइनाइटिस का अटैक आता है। एलर्जिक राइनाइटिस से बचने के लिए काली मिर्च और मिश्री को बराबर मात्रा में लेके इसका चूर्ण बना लें और जब भी ठंडी खट्टी चीज़ें खाएं तो उसके बाद थोड़ी मात्रा में इस चूर्ण को चाटें। जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस होता है उन लोगों को चाहिए कि 2 बूंद नाक के अंदर रोगाने बादाम की डालकर सोएं। सेलाइन नेजल स्प्रे जो कि हमारी नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन को रिस्टोर करता है, नमी को रिस्टोर करता है और इम्यूनिटी को डेवलप करता है। ये आइसोटोनिक नॉर्मल सॉल्यूशन आप घर पर भी बना सकते हैं या सिप्ला कंपनी का बाज़ार में मिलता है और इसकी प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से आपके नाक की गंदगी और आपकी नाक काफ़ी क्लीन हो जाएगी, म्यूकस, गाढ़ा म्यूकस सारा बाहर आ जाएगा और काफ़ी हद तक आपकी नाक खुली खुली रहने लगेगी और जो एलर्जिक राइनाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं उनमें काफ़ी कमी आएगी। इसके अलावा अपने डॉक्टर से मिलकर एलर्जिक राइनाइटिस के स्प्रे या इम्यूनोथेरेपी के बारे में जानकारी लें। इम्यूनोथेरेपी आज काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। अपने पल्मोनोलॉजिस्ट, अपने फेफड़े के डॉक्टर से इस पर मशवरा करें। अलग अलग मरीज़ के लिए अलग अलग इम्यूनोथेरेपी होती है जिससे उन्हें काफ़ी हद तक इसमें फ़ायदा मिलेगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। कुछ यूनानी मेडिसिन भी ऐसी हैं जो बहुत फ़ायदा देती हैं एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट को, लेकिन इन्हें अपने डॉक्टर से सलाह के बाद ही इस्तेमाल करें, जैसे हब्बे शिफा या हिमालय की सेप्टिलीन या महर्षि फार्मा की अमस्था और कुछ इम्यूनिटी को डेवलप करने वाली मेडिसिन। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई सवालात हैं तो हमसे ज़रूर पूछें। शुक्रिया।